आप अभी एमए पॉलिटिकल साइंस का पेपर देकर आए हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैम पेपर तो मॉडरेट टू लेंथी था, मेरा अच्छा नहीं गया। अच्छा, आप कह रहे हैं आपका अच्छा नहीं गया, क्यों? सिलेबस जो बताई है जामिया ने उससे कुछ डिफरेंट पूछ लिया था या फिर क्या था? हाँ, पीवाईक्यू से बहुत हट के था, ये दफा कुछ नया था, सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस लगभग था। किस तरीके के क्वेश्चन थे? क्वेश्चन ये इंडियन पॉलिटिक्स से कभी थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखा जाए तो उससे ईजी था, डिफिकल्ट था या फिर बराबर ही था? उससे बहुत डिफिकल्ट था। उससे बहुत डिफिकल्ट था। किस तरीके के क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे और किस तरीके के क्वेश्चन आपको थोड़े ईजी लगे? मैम इस दफ़ा बहुत हार्ड के भी क्वेश्चन था, जैसे कि इससे बॉर्डर से था, उसके बाद IR से था, ये सब तो ईजी था, इंडियन पॉलिटिक्स से था, ये सब ईजी था, बाकी ये सब थिंकर वगैरह का था, ये थोड़ा टफ था। अभी रिसेंटली CUET का पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर हुआ है, क्या उस पेपर से इस पेपर में कोई कॉमनलिटी है? नहीं, CUET तो काफ़ी अलग था, वो बहुत इजी था, लेकिन ये वाला बहुत अलग है उससे, CUET से। बच्चे ऐसे क्या क्या टॉपिक कर ले कि एटलीस्ट आपका 50% पेपर MA पॉलिटिकल साइंस का हो जाए? इसमें IR बहुत ज़रूरी है, फिर इंडियन पॉलिटी बहुत ज़रूरी है, और फिर थिंकर के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, और यही सब है। ठीक था। कैसा था पेपर जो ठीक ठाक आपको लगा? पेपर ईजी था, आपने पढ़ रखा है तो आप इजली कर सकते हैं। अच्छा, आपको ठीक ठाक लगा क्योंकि जामिया ने जो वेबसाइट पे इसका सिलेबस बताया, क्या एग्जैक्टली उसी सिलेबस से आया है क्वेश्चन या फिर उससे हटके भी कुछ आया है? ऐसे सिलेबस से ही मोस्टली था, कुछ क्वेश्चन मुझे लगे लेकिन सिलेबस से ही था सारे। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी यही है कि BA पॉलिटिकल साइंस करके या किसी भी दूसरे कोर्सेज से भी आ सकते हैं? दूसरे कोर्स से भी आ सकते हैं। अच्छा, चले बात करते हैं सिलेबस की, तो आप बता सकते हैं सिलेबस क्या है इसका एक्चुअली में? इंडियन में इंडियन IPT हो गया, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गया आपके, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हो गया, और काफ़ी रीजनिंग वाले आपके मतलब आपके अपनी थॉट्स पे डिपेंड करता है, वो सब क्वेश्चन भी थे। तो ये पूरा पेपर पॉलिटिकल साइंस पे भी बेस्ड था या फिर इसमें करंट अफेयर्स भी थे, जनरल नॉलेज भी थे, रीजनिंग? पॉलिटिकल साइंस पे था पूरा। पॉलिटिकल पेपर एक ही पार्ट में था या दो पार्ट में, मतलब राइटिंग सेक्शन भी था? एक ही पार्ट था। अच्छा, इसका एक और एक पेपर होता है IR का, उससे ये डिफरेंट है या सिमिलर है उससे? IR से डिफरेंट था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे IR से रिलेटेड, बहुत सारे थे, थिंकर्स पूछा था, लेकिन हाँ लेकिन IR से था डिफरेंट था, लेकिन कुछ रिलेटेड थे। PYQ देखा था, उससे कितना हेल्प मिलता है? PYQ से काफ़ी हेल्प मिल जाता है आपको, क्योंकि आप यदि आप प्रीवियस के काफ़ी यदि 5वीं कर रखे होंगे ना, काफ़ी हेल्प मिल जाएगा, एक से नहीं होगा। हाँ, कितने साल के करने चाहिए? कम से कम तो 5 तो करनी चाहिए। अपकमिंग एस्पिरेंट को आप अपने एक्सपीरियंस से क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या ऐसी चीज़ें पढ़ ले उनका कि 50% पेपर हो जाए? अपने कोर्स को नॉर्मली मतलब स्टार्टिंग से ही पढ़े, और PYQ सॉल्व करें, और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने कोर्स को पढ़े, बस उतना भी हो जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो एक्स्ट्रा वाले दूसरे कोर्स वाले क्या पढ़ें जो हो जाए? उनको फिर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्या 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 टॉपिक्स हैं उनको? फिर पोल साइंस के कोर्स देखने पड़ेंगे सारे, उससे रिलेटेड पढ़ने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेशनल, ये सब काफ़ी पढ़ना पड़ेगा उनको। फिर कहाँ से पढ़े सोर्स? सोर्स आपके काफ़ी सारे बुक हैं, लाइक OP गुआवा हो जाएगा, इंडियन पॉलिटिकल आचार्य का हो जाएगा, इंटरनेशनल के लिए आप एक सिंह करके नाम है, UPSC का आता है, उससे पढ़ लें, काफ़ी सारे बुक हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उसका लक्ष्मीकांत। इस पेपर को लेकर मैम ओवरऑल एक्सपीरियंस देखा जाए तो काफ़ी मतलब रिजिड क्वेश्चन था एज ए प्रायर कंपेयर किया जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो क्योंकि इस बार बहुत सारे एब्सर्ड क्वेश्चन थे, रादर ऑब्जेक्टिव पे वो लोग ज़्यादा सब्जेक्टिव पे फोकस किए थे, और मतलब फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे वो, पर मतलब लेंथी पेपर था और एज ओवरऑल एब्सर्ड ही कहेंगे मैम इसके। आपके हिसाब से कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा पेपर था, इजी, डिफिकल्ट या मॉडरेट? मॉडरेट ही था, मॉडरेट कह लेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ था, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, तो मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा लेकिन उतना बेहतर नहीं। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में पेपर था या सब्जेक्टिव पार्ट भी था? सब्जेक्टिव पार्ट था, इनमें नेगेटिव मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पेपर ही होते हैं 100 क्वेश्चन, बट उसमें सब्जेक्टिव पोर्शन ज्यादा थे। हाँ, मतलब कि सब्जेक्टिव थॉट होने चाहिए, थॉट ज्यादा होने चाहिए, एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन वर्ड होने चाहिए, लेकिन सब्जेक्टिव पार्ट उसमें ज्यादा है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए मतलब रिकॉल करना, क्योंकि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं बना पाते हैं, और जो टाइम रहता है बहुत लिमिटेड रहता है, उस हिसाब से बहुत मतलब मुश्किल होती है हम लोग पेश करने। पेपर का सिलेबस क्या है? पेपर का सिलेबस जामिया ने जो सिलेबस दिया है ये थोड़ा अजीब है। हाँ। सीधा सा बस दे दिया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, लेकिन कुछ हाँ डेप्थ में नहीं बताते, तो सिलेबस ऐसे समझ नहीं है, लेकिन इसका पेपर देके काफ़ी ब्रॉड लगा सिलेबस, बहुत ब्रॉड है। तो फिर भी आप मुझे पूरा एलेबोरेटेड वे में बता सकते हैं क्या सिलेबस है? मैम एलेबोरेटेड वे में है कि BA जो BA का सिलेबस है होल डोमेन का पॉलिटिकल साइंस का, वो है सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का जो मेन पार्ट्स है उसके हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, GK आ जाते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं, मतलब ओवरऑल ब्रॉड है,
बट उसको कंसाइज वे में देखा जाए तो मेन पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट से रहता है ज़्यादातर। जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस या सब्सिडरी विद पॉलिटिकल साइंस से नहीं है वो बच्चे इस पेपर की तैयारी कैसे करें? ये आज के पेपर के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये पेपर उनके लिए तो बहुत मुश्किल होगा। अच्छा। बाकी तैयारी तो वैसे ही करते हैं जैसे सारे लड़के करते हैं। कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, जो हो जाए 50% पेपर? बस वही करना पड़ेगा, जो थ्योरीज है उनके तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम नहीं कहते, हमने तो बहुत अच्छा पढ़ा इसकी तैयारी की, लेकिन आज के पेपर के बाद लग रहा है कि हाँ उतना काफ़ी नहीं है। अच्छा, अभी रिसेंटली जामिया के IR पॉलिटिकल साइंस का IR एंड एरिया स्टडीज़ का भी पेपर हुआ है, उससे कुछ मिलता जुलता था? उससे मिलता जुलता नहीं था, बस हाँ ओवरऑल उसको मतलब सेंट्रल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के आप सिलेबस में देखेंगे तो कुछ पार्ट्स मिल जाएंगे। हाँ। बट ओवरऑल वो अलग सब्जेक्ट ही अलग सब्जेक्ट है, मतलब उससे हिंट ले सकते हैं कि पेपर ऐसा हिंट ले सकते हैं। लेकिन उसमें क्या बेसिकली हम 40 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहता है और 60 सब्जेक्टिव रहता है, बट इसमें क्या ओवरऑल आपका सब्जेक्टिव ही रहता है। अच्छा, CUET के पॉलिटिकल साइंस या IR का जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस, उससे कितना सिमिलर है या डिफरेंट है? ये थोड़ा डिफरेंट है। किस तरीके के पोर्शन डिफरेंट है? CUET का पेपर जो था थोड़ा इजी था। अच्छा। आज का पेपर थोड़ा लेवल हार्ड था। अच्छा, मोटे मोटे कौन से टॉपिक को फोकस कर ले बच्चे जो इनका 50% 60% पेपर हो जाए? मोटे तौर पे जो 3 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं BA के, अगर उसमें आप फोकस कर ले रहे हैं और आपकी अच्छी खासी मतलब समझ है, नॉलेज है, क्या क्या किस टॉपिक्स में? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन के जितने सारे हैं, थियोरिस्ट हो गए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल फिलोसफी हो गई, पॉलिटिकल थॉट हो गया, फिलोसफर्स हो गए, उनके सारे पार्ट्स। PYQ कितने साल के करें और सिर्फ इसी सब्जेक्ट के करें या इससे मिलते जुलते और भी सब्जेक्ट से? मिलते जुलते सब्जेक्ट के करने चाहिए और कम से कम 5 साल के तो करने चाहिए। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, लड़कों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो हम लोग नहीं देते हैं जनरली। हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे जनरली हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आज उसके बहुत सारे क्वेश्चन थे, शुरू के 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे थे, बस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही जो पढ़ा है वही करेगा। कोई आइडिया है लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या गई थी? मैम लास्ट ईयर की कट ऑफ उसमें सेक्शन वाइज जाती है, गर्ल्स का अलग जाता है, मुस्लिम्स का अलग जाता है, जनरल ओवरऑल मैम 78 था। काफ़ी हाई है पेपर के हिसाब से। तो चले, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का सिलेक्शन हो, आप लोग जामिया के पार्ट बने MA पॉलिटिकल साइंस के। थैंक यू।